वेलकम अगेन. और बात करूंगी आपकी हेल्थ की. ऑफ कोर्स एवरी फ्राइडे हमारे साथ बहुत ही सीनियर हर्बलिस्ट डॉक्टर प्रोफेसर मौजूद होते हैं. और डिफरेंट हमारी जो जब गुफ्तगु होती है तो डिफरेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस भी करते हैं अपने इस प्लेटफॉर्म्स गुड मॉर्निंग विद सभी में. और बहुत ऐसी भी प्रॉब्लम्स होती हैं जो बहुत सीवियर होती हैं, और यानी कि सीवियर यूँ होती हैं कि बहुत उसको हम लापरवाही में ले लेते हैं और वो आगे बढ़ के एक बड़ी शक्ल अख्तियार कर लेती है. जैसे लाइक हम लोग रोज़ाना कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं और हम समझते हैं जी हमारा खाना इससे हजम होता है, उसके बाद पता चलता है कि आपको शुगर हो गई है. फिर हम लोग मीठा डेली हम समझते हैं डेली मीठा खाया जाए, खाने के बाद मीठा होना चाहिए, तो फिर भी होता है. रोज़ाना चाय पीना, ये कुछ हमारी लाइफ स्टाइल की कुछ मिस्टेक्स हैं जिसकी वजह से हमारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं और हमें अंदर अंदर से वो ख़त्म करी होती हैं और हमारी हेल्थ या तो बहुत मोटे हो जाते हैं या तो बहुत श्रिंक हो जाते हैं. लाइक फिर एक और चीज़ है जो टेंशन है ज़िंदगी में, हमने अभी तक मेंटली प्रिपेयर नहीं होते. बड़ी अच्छी गुफ्तगू मैं अभी मिलवाऊंगी, वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें बताते हैं कि जो है मेरे रब ने दिए उसका शुक्रगुजार होना चाहिए. लेकिन हम लोग कुछ ऐसी चीज़ अपने पे इतनी हावी कर लेते हैं तो टेंशन से भी शुगर जो है शूट कर जाती है. तो अल्लाह का शुक्र करें तो शुगर भी नहीं होगी. और जिन लोगों को उनकी कोताहियों से हो गई है तो फिर अब उसको मैनेज कैसे करना है. अच्छा, ये कि बहुत अगर एंड तक स्टेज पर पहुँचे तो आज मैं वो डिस्कस करूँगी कि अल्लाह ना करे जब अगर बिल्कुल आखिरी स्टेज पे शुगर चली जाए तो क्या मौत वाकई हो सकती है. मैंने कभी भी अपने हेल्थ सेगमेंट में ये डिस्कस नहीं किया कि क्या हमें शुगर मौत तक लेके जा सकती है. लेट्स सी. बहुत ही सीनियर हर्बलिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर 11 पुश्तों से उनके तमाम आबाव अजदाद जिसे बोलते हैं उनके दादा पर दादा उनके दादा वो सब हिकमत से ही तिब नबी से ही बिलोंग करते थे. और बड़ी बात है उन्होंने इस दरवेशी को अपने साथ लेके चल रहे हैं. तो यहाँ पर मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर हकीम अस्करी साहब. अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम वरहमतुल्लाह. कैसे हैं? अल्लाह की रहमत करम. रात को हम लोग जब बात कर रहे थे कि परसों के सर कौन सा टॉपिक डिस्कस करें, और शुगर की बहुत सारी हम लोगों ने बातें कर भी चुके, लेकिन कोई ना कोई ऐसी यूनिक बात होती है जो हम लोग शायद अवॉइड करते हैं. और कुछ लोगों को जब शुगर होती है तो हम उसको इस नज़र से देखते हैं कि मर जाएगा. आप बताएं. असल में जैसे ही शुगर का पता लगता है लोगों को कि उन्हें शुगर हो गई है, एकदम स्ट्रेस में आ जाते हैं. ठीक है. नींदें उनकी उड़ जाती हैं. ठीक है. और अक्सर लोगों को कहते सुना है कि जी हमें शुगर हो गई है. यानी शुगर होना कोई ऐसा मसला नहीं है. हम समझते हैं कि एहसास से मर्ज जो है वो ज़्यादा नुकसानदेह होता है. जब भी किसी मर्ज के मुतालिक आपको आगाह कर दिया जाता है लेबॉरेटरी टेस्ट से कि आपको शुगर है, तो उस वक्त परेशान ना हो बल्कि आप और कॉन्शियस हो जाएं, मोहतात हो जाएं कि आप इसको भगा सकते हैं. वैसे तो एलोपैथिक डॉक्टर्स के पास जब भी जाते हैं वो कहते हैं कि जी शुगर का इलाज नहीं है, और ये कि शुगर की दवा जो है वो मुस्तकिल तौर पर उसको खाते रहना चाहिए. जो दवाएं वो देते हैं वो दवाएं वक्ती तौर पर काम करती हैं, मगर सारी ज़िंदगी अगर वो दवाएं खाते रहेंगे तो वो आप जो है ये समझें कि आप मुस्तकिल तौर पर मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होते चले जाएंगे, यानी कि और अज़ा ख़राब होने का चांस ज़्यादा. बिल्कुल बिल्कुल. क्योंकि देखिए ना, अब एक यानी शुगर अगर खाना खा लिया तो शुगर हाई हो गई. हाँ. गोली खा ली शुगर लो हो गई, मीठा खा लिया. असल में वो मैनेज कर रहे होते हैं, शुगर क्योर नहीं कर रहे होते. कि आपकी शुगर हाई हो गई है तो फिर आपको जो है वो तो भी आदमी कोमे में चला जाता है, और अगर लो हो जाए तो ऐसी सूरत में भी कोमे का शिकार हो जाता है. तो नाज़रीन बात यह है कि शुगर लाइलाज मर्ज नहीं है. इसका इलाज जिन लोगों का मैंने किया है वो सैकड़ों नहीं हज़ारों लाखों की तादाद में ऐसे मरीज हैं जो शुगर के मर्ज में मुबतला हुए. उनको हमने 90 दिन से 120 दिन तक का उनका ट्रीटमेंट दिया. उससे यह हुआ कि उनको जो शुगर से उनको मुख्तलिफ बीमारियाँ लग गई थी मजीद, जैसे ब्लड प्रेशर हाई होना, हार्ट प्रॉब्लम होना, आसाबी कमज़ोरी, नज़र की कमज़ोरी, या मेमोरी लॉस हो जाना, और या गैंग्रीन हो जाना. तो ऐसे मरीजों को हमने अल्लाह की रहमत से कवर कर दिया. और इससे घबराना, अगर घबराएंगे आप
तो मजीद आपको स्ट्रेस बढ़ेगा और शुगर लेवल हाई होगा। ओके। शुगर नॉर्मल जो है वो 125 से लेकर 150 तक हम काउंट करते हैं फास्टिंग में। ओके। अगर इससे भी थोड़ी बहुत ऊपर हो तो परेशान होने की बात नहीं है, क्योंकि 200 से ऊपर अगर हो जाती है शुगर तो वो काबिले तवज्जो है फास्टिंग में। यानी कि आप निहार मुंह अगर 200 से ऊपर है तो वो आपके लिए डेंजरस है, बाकी वो अंडर है तो 100। जी हाँ, वो कवर हो जाती है 125, 150, 145, 60, 200 तक जो है वो आपका परेशान ना हो। बल्कि आपके अंदर आप अपना लाइफस्टाइल फौरन चेंज करें। ओके। आप वॉक करें, कोल्ड ड्रिंक्स, जंक फूड्स, ठीक है, बदपरहेजियां, बाजारी खाने, अचार, चटनी, तेज मिर्च मसाले और कढ़ाई गोश्त वगैरह, निहारी, इन चीज़ों से परहेज करें और सादा जिंदगी की तरफ आ जाइए। जौ का दलिया, साबूदाना, खिचड़ी, बिल्कुल ठीक। इसी तरीके से अनाज में आप चावलों को कम कर दीजिए, चावल और गंदम का इस्तेमाल कम से कम कर दें। ठीक है। गेहूं की रोटी बड़ी अच्छी होती है, उसके अंदर थोड़ा बेसन डाल दें या वो थोड़ा सा मकई का आटा, कुछ इस तरह का, बड़ी अच्छी रोटी बनती है। जी हाँ जी, जौ का दलिया है, जौ की रोटी है, जौ का जो है वो मुख्तलिफ बहुत सारे सालनों में जो चलता है। टेक्निकल टेक्नोलॉजी में तो उसको बाहर लेको, वो बड़े अच्छे तरीके से क्विकर बना के वो फटाफट दूध में ऐड करके बना लेते हैं लोग। तलबीना बनता है उसी तरह, आप उसमें बादाम, पिस्ता, अखरोट और खजूर, अंजीर ये डालें। लोग समझते हैं कि शायद इन चीजों से जो है वो शुगर लेवल हाई होता, नहीं। आप चारों मगज, सोयाबीन के बीज और इसी तरह कद्दू के बीज, इनका इस्तेमाल करें। सैलेड, ज्यादा सैलेड बना लें, सैलेड में आप लोबिया डालें और ये एक सैलेड बनाकर इसका इस्तेमाल करें। तो इसी तरह गोश्त का इस्तेमाल भी मुनासिब रहे, बेदरवी इस्तेमाल ना करें। बकरे का गोश्त है, गाय का है या देसी मुर्गी है, ये आप खाइए। अच्छा, शोरबे वाली चीजें ज्यादा फायदेमंद होती हैं। जी हाँ जी बिल्कुल, शोरबे वाली चीज जो हजम होती हैं और ताकतवर भी होती हैं। भुनाई में वो अक्सर जो जितने उसकी विटामिन्स हैं वो भुनाई में जाया हो जाते हैं। लौकी, टिंडा बहुत फायदेमंद है। जी हाँ जी, लौकी का जूस बनाए, लौकी का सूप बनाए। लौकी का जूस वैसे भी जैसे गाजर का निकाला जाता है, इसी तरीके से लौकी का जूस निकाले, ये गुर्दों के लिए बहुत लाजवाब है, जिगर की गर्मी को ख़त्म करता है। और लौकी बहुत सारे इमराज में बेहतरीन चीज़ है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपकी मरगूब गिज़ाओं में जौ का दलिया, तलबीना, लौकी, कद्दू, घिया, तोरी, तो ये सब, टिंडा है, ये चीज़ें जो हैं ये आप अगर नबी की सुन्नत पर अमल करना शुरू कर दें तो आप बहुत सारे, आप बिल्कुल ये समझ सेहतमंद रहेंगे। दूध, ये वाकई में प्रोटीन, मतलब बॉडी को अच्छी एनर्जी मिल जाती है। तो बात ये कि अब हम अगर वर्जिश और सैर को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें तो हम बहुत सारी मराज से बच भी सकते हैं। सर, वो एक बार होम रेमेडी आपने बताई थी, वो बताएं, शुगर की, वो जो समांजने के पत्ते, करी पत्ता और वो मैं बना के भी रखा हुआ, और नीम के पत्ते, इनको सुखा के, वो आपने बड़ी अच्छी बताई। जी हाँ जी, वो रेसिपी बड़ी मशहूर हुई, बहुत लोगों ने ऑनलाइन फोन पे जो है वो उसकी तारीफ भी की कि जी हमने ये इस्तेमाल किया। उसके लिए है कि नीम के पत्ते, सुहांजना यानी मोरिंगा, इसके ताज़ा पत्ते ले लीजिए। आजकल मौसम आया हुआ, फूल बड़े खूबसूरत सफ़ेद सफ़ेद निकल रहे हैं और उसमें फिर ये कि उसका जो फली है उसका सालन भी बनता है, उसके जो जड़ है उसका अचार भी बनता है, ये पूरा दरख्त जो है वो फायदेमंद, बिल्कुल सोना है सर जी, बिल्कुल आपकी सेहत और इसकी जमानत देता है ये। अच्छा, अगर जगह जगह जहाँ भी हम जाते हैं, अगर ना बना सके तो फिर इसका अल्टरनेटिव है इनकी अस्करी ग्रीन, कितने सारे कंपोनेंट्स इसमें डाले हैं। मेरे पास मोरिंगा कैप्सूल भी हैं, अस्करी ग्रीन में तो 141 अद्वियात दुनिया के सुपर हर्ब्स मौजूद हैं। इनसे ये होता है कि इसमें 12,000 से ज़्यादा जो है न्यूट्रिशंस मौजूद हैं और इसका फ़ायदा यह है कि आपके जिस्म में जितनी भी कमजोरियां लाख हो जाती हैं शुगर से, ब्रेन ब्लॉकेज है वो खुल जाती है, आई साइड नॉर्मल हो जाती है, आसाबी कमज़ोरी, थकावट और अजदवाजी मामलात में जो आपके
कमजोरियां लाहक हो जाती हैं वो तमाम ये हम 3 से 4 महीने में रिकवर कर देते हैं और आदमी नॉर्मल लाइफ में आ जाता है। शुगर आपके बदपरहेजियों, कोताहियों, लापरवाहियों की सज़ा है के तौर पर आता है और इसको अगर आप समझें कि आप इसको इससे मुकाबला कर लें तो यकीनन ये ऐसा मर्ज नहीं जो लाइलाज ना हो। ज़बरदस्त। अच्छा आज क्योंकि मैं हमेशा इनको कहती थी वो बीपी कॉम लेकर है, मैं आपको बताऊँ जिन माओं को ये होता है समटाइम जो बेचारी ओल्ड एज हो जाती है बीपी कॉम उसके अंदर एक ऐसा खास वो है कि आपकी तमाम क्लॉटिंग जो है ब्लड के अंदर वो एक्टिव करता है। जी ये बीपी कॉम है नाजिन, इसको सेल डलते हैं इसमें और इसी बाकायदा तौर पर इसमें लेजर रेजिस भी निकलती हैं और ये आपके सर में जब आप इसको लगाते हैं घुमाते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल करता है, ब्लड की क्लॉटिंग वगैरह ख़त्म करता है, सर दर्द जो है माइग्रेन हेडेक ब्लड प्रेशर ये कंट्रोल करता नॉर्मल कर देता है बग़ैर किसी दवा के। और इसी तरीके से जब आप इसको पेट में घुमाते हैं तो ये आपका लीवर और मेदे को भी इसकी विसला करता है, जोड़ों के दर्द के लिए बहुत बेहतरीन है, कमर के स्पाइनल कॉर्ड और सर्वाइकल पे यानी रीढ़ की हड्डी के मोहरों और गर्दन के मोहरों पर जब आप इसको लगाते हैं तो वहाँ से इसकी ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होती है, कम्युनिकेशन बेहतर हो जाता है, ब्लॉकेज निकलना शुरू हो जाती है। ये 10 से 15-20 मिनट जो है इसको रोज़ाना आप लगाएं और ये जो है प्रोडक्ट ये हम हमारे पास मौजूद है जो कुछ अगर नहीं हो तो आप इसको हाथ में लेके भी बैठ जाएं तो आपके प्रेशर पॉइंट जैसे कि सर लेकर आए बताएं सर कि इससे बहुत टच करता है। ये देखिए नाज़रीन ये इसके प्रेशर पॉइंट हैं जो आपके एनर्जी चैनल और प्रेशर पॉइंट से इस पर हम सारा इन्हसार है। ये एक्यूपंक्चर का तरीका इलाज है और मेरे पास एक्यूपंक्चर मशीनें मौजूद हैं जिससे फौरी तौर पर हम डायग्नोज भी करते हैं और उसके बाद उनको उसको ट्रीटमेंट भी उससे देते हैं। ये बड़ी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है चूँकि तिब्बे नबी के साथ साथ मैं एक्यूपंक्चर भी करता हूँ और इसके साथ हजामा भी हम करते हैं, ठीक है। ये सुन्नत नबी का वो है और फिर बहुत जदीद हमारे पास जो एडवांस टेक्नोलॉजी मौजूद है उसमें हम बाकायदा तौर पर उस ये डिवाइस मौजूद है, ठीक है। ये देखिएगा नाजिक ये डिवाइस इसी की है ओके। और इस डिवाइस के ज़रिए हम इसका बाकायदा मर्ज जो है जो आपके अंदर छुपे हुए इमराज हैं जो अभी ओपन नहीं हुए वो तक डिटेक्ट हो जाते हैं, यानी फ्यूचर प्रॉब्लम जो है फ्यूचर डिजीज जो है वो भी हम बता देते हैं, मौजूदा प्रॉब्लम है उसका भी वो भी बताते हैं और इसी तरीके से इससे इलाज भी हम करते हैं, यानी ये डायग्नोज भी करता है और ये ट्रीटमेंट भी देता है। यानी कि आप ना बताएं, आप इनके पास जाएं, ये खुद डिटेक्ट करके बताएंगे कि आपका कौन सा ऑर्गन जो है वो प्रॉब्लम में है। इसके लिए एक्सरे की जरूरत नहीं है, अगर लिया हुआ है तो वो अलग व्हाट्सअप कर दीजिएगा, लेकिन अगर नहीं है एक आपको फील हो रहा है कि या कि मुझे चेकअप करवाना है तो देन ये डॉक्टर साहब जो है ना ये डिटेक्ट करके आपको बताएंगे कि आपके और हाथ के प्रेशर पॉइंट, जैसे इनके हाथ में ये एक पेपर है सर दिखाई दे शुभ, इसके थ्रू पता चलेगा कि आपके ये दो हैं हाथ के बैक साइड पर जी जी और हाथ ये फ्रंट पे, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स पर जो है वो हम अपना मुकम्मल चेकअप करते हैं, पूरी बॉडी का चेकअप होता है और इसमें पता लग जाता है कि आपके दिल के वॉल कितने बंद हैं, कितने खुले हैं, किडनी की पोजीशन क्या है, लीवर क्या की पोजीशन क्या है, इसी तरह पूरी बॉडी का दिब्बे ब्लॉकेज वगैरह सब चीज़ें जो हैं वो आपको पूरी बॉडी का जो है ये चंद लम्हों में हम पूरी बॉडी को डायग्नोज भी कर देते हैं। इसके अलावा देखिए हिकमत में सबसे बड़ी चीज़ है नब्बाजी, सबसे पहले मरीज की नब्ज़ देख करता हूँ तो मैं उसको सब कुछ बताता हूँ, फिर उसके बाद इस मशीन से जो है चेकअप करके उसकी मौजूदा करंट जो है सही मानों में जो सिचुएशन है वो हम देते हैं, ठीक है, कि कितने वॉल जो हैं वो आपके किस कदर बंद है। और इसी तरीके से शुगर के मरीज जो हैं जब हमारे पास आते हैं तो हम उनको बाकायदा देखते ही चेक करते हैं कि ये आपका शुगर जो है ये मौरूसी है, वो कहते हैं बिल्कुल बिल्कुल जी मौरूसी है, यहाँ भी बता देते हैं कि आपको इस शुगर की वजह से ये प्रॉब्लम है, इतने अरसे का इलाज है और 100% उसका रिजल्ट भी निकाल देते हैं। तो शुगर के बारे में जैसे ही आपको शुगर का इल्म हो कि आपको शुगर हो गई है तो घबराने के बजाय शुगर का मुकाबला करने की तैयारी शुरू कर दें, तब आपके जिस्म से शुगर जो है वो खत्म भाग जाएगी, आप नॉर्मल लाइफ में आ जाएंगे। जितना स्ट्रेस और जितनी परेशानी और कबाहतें आप रखेंगे तो उतना शुगर लेवल हाई होता चला जाएगा, आपकी ज़िंदगी अजीर्ण हो जाएगी।
तो इब्तदाई स्टेज पे जैसे ही आपको शुगर का इल्म हो तो फौरी तौर पे हमसे रब्ता कर लें और हम आपको अद्वियात, ये हमारी जितनी अद्वियात हैं ये मार्केटिंग नहीं होती, ये दुकानों पे नहीं मिलेंगी, मेडिकल स्टोर पे ना तलाश कीजिए, बराह रास्त हम होम डिलीवरी करते हैं और ये जो मोबाइल है इस पर हम जो मेरे नंबर इस पर चल रहे हैं ये व्हाट्सएप के नंबर भी हैं और बाकायदा तौर पर ऑनलाइन मैं मशवरे भी देता हूँ और ऑन कैमरा जो है मैं बाकायदा चेकअप भी करता हूँ मरीज़ों को जो दूर दराज इलाकों के मरीज़ होते हैं। फिल वक्त मैं कराची में हूँ लेकिन मेरा टूर जो है वो इस्लामाबाद, लाहौर, पिशावर ये रहता है। बहुत जल्द होगा इंशाल्लाह, करीब होगा। अच्छा एक और बात ये है, बड़ी अहम बात है कि मैंने बाकायदा तौर पर अब फ्री मेडिकल कैंप का इनकाद किया है इतवार को। ऐसे लोग जो मुस्तहिक हैं, हकदार हैं, वो इस फ्री मेडिकल कैंप में आकर चेकअप करवाएंगे गिनी मशीनों से और जो अद्वियात हम देंगे वो 50% डिस्काउंट पे देंगे। क्या बात है, ये सुबह 11-12 बजे से लेकर और शाम 4-5 बजे तक जो है, सुबह 12 बजे से लेकर इतवार को, इतवार को शाम 5 बजे तक जो है ये हमारा टाइम का प्लीज ख्याल रखिएगा। ये ना आप लोग 8-9 बजे आ रहे हो और कहें सर आपने अनाउंस किया था, तो इस तरह ना कीजिएगा, टाइम की पंक्चुअलिटी बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिएगा कि आप उन लोग, वो लोग जो बहुत परेशान है और अखराजात नहीं बर्दाश्त कर सकते, क्योंकि मेरी 1000 रुपए फीस है वो मैंने फ्री चेकअप में कर दिया और इसी तरह मेडिसिन हमारी बहुत कीमती है, नायाब अद्वियात से तैयार होती हैं, जड़ी बूटियों से तैयार होती हैं, इसमें भी हमने 50% डिस्काउंट दिया है क्योंकि इस महंगाई के दौर में लोग अपना इलाज करवाना उनके लिए बहुत मुश्किल है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे हम शुगर की बात करें और मैंने पहले ही कहा कि हम ऐसा लगता है कि उस शख्स को इस नज़र से देखते हैं कि ये इसकी मौत हो जाएगी, मौत तो किसी को किसी वक्त हेल्दी बंदे को भी हो जाती है, लेकिन हमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारा इम्यून सिस्टम, कुव्वत मदाफ़त अगर हमारी स्ट्रॉन्ग होगी तो हम बहुत सारी बीमारियों को फेस कर सकते हैं, वो कोई भी बीमारी हो। इनके पास अभी क्या, मैं इनसे पूछती हूँ कि अगर हमें शुगर है, अगर अल्लाह ना करे ना भी है, तो हमें पहले से कौन सी ऐसी कैप्सूल्स हैं या आपकी कौन सी प्रोडक्ट है जो डेली तौर पे अपनी न्यूट्रिशन वैल्यू या इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इनटेक करनी चाहिए? देखिए बुनियादी चीज है कि आपका ऑक्सीजन लेवल बॉडी का बेहतर हो। ओके, ऑक्सीजन जो है वो आपके सांस लेने से फेफड़ों में जाती है, ठीक है, फेफड़े आपके बेहतर हो। ओके, और फिर इसी तरह आपके जो जिल्द है जी, उसके मुसामात जो है वो नॉर्मल ऑक्सीजन जब्त करने के काबिल रहे। अगर नहीं है तो फिर ऐसी सूरत में नाज़रीन ये मस्कुलाइन है, ठीक है, ये लोशन है जो बॉडी लोशन है, नहाने के काम आता है, और ये फेमिनाइन है, ख़वातीन के लिए है, और ये जो जिन ख़वातीन को लेकोरिया, खारिश या अदर हार्मोनल प्रॉब्लम्स हैं, स्वेलिंग वगैरह है, तो ये फेमिनाइन जो है ये अंडर आर्म यूज़ किया जा सकता है और वजाइनल पे इसका, इसके बड़े पॉजिटिव इफ़ेक्ट होते हैं। वो ख़वातीन जो बहुत ज़्यादा इससे परेशान है, लेकोरिया से, खारिश से, या अब आफ्टर जो है मेंसेस के बाद भी इसको इस्तेमाल करें तो ये इंटरनल इन्फेक्शन अगर हो जाए कर देता तो उस इन्फेक्शन को। इसी तरीके से मेल्स का जो है, जो अगर उनके टेस्टोविरॉन, टेस्टिकल जो है प्रॉपर तरीके से उनके टेस्टोविरॉन नहीं बना रहे या उनकी ग्रोथ नहीं हो रही, तो ये इस्तेमाल करें। और नहाने में भी इसका, क्योंकि ये स्किन को में से ऑक्सीजन जज्ब करने की ताकत बहाल कर देता है, उससे ये होता है कि जो खून की नालियां हैं वो साफ़ होना शुरू हो जाती हैं, टॉक्सिन उसमें से निकलना शुरू हो जाते हैं, और यूं जो है वो आपकी ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल होती है और फिर आपकी ब्लड सेल जो हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, उनकी नरिशमेंट हो जाती है और आपका खून का लेवल भी बेहतर हो जाता है। हमारे पास जो अद्वियात हैं ये, इसमें ये अस्करी गोल्ड है, ठीक है, ये अस्करी गोल्ड शुगर पेशेंट्स को देते हैं और उन लोगों को जिनको गैस्ट्रिक तेजाबियत, एसिडिटी, खट्टी डकारे, मुंह का जायका ख़राब होना, हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाना, घबराहट और बेचैनी, ऐसे मरीज रोना, चीखना और धारना शुरू कर देते हैं और वो कहते हैं कि जनाब हम बस उनके हाथ पैर में से जान निकल, ऐसा लगता है कि बस वो कह रहे हैं अब गए अब गए, और थोड़े लेट जाते हैं और थोड़ी देर के बाद जो है ना उनकी तबीयत कुछ बहाल हो जाती है, लेकिन ये अक्सर उनके साथ होता रहता है, उनके लिए ये अस्करी गोल्ड बेहतरीन चीज़ है। इसी तरह हमारा अस्करी ग्रीन है, ये इसमें 22,000 न्यूट्रिशंस मौजूद हैं, 141 कंपोनेंट हैं, अद्वियात हैं और ऐसी नायाब जड़ी बूटियां हैं जो दुनिया भर से हम इकट्ठी करते हैं, जिन्हें किंग्स ऑफ हर्ब्स कहा जाता है।
मेरी ज़िंदगी का तजर्बात में ये बहुत ज़बरदस्त एक एक्सपीरियंस रहा है कि इंसान का एक इम्यूनिट सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो जाए, यानी मुदाफियती निज़ाम। अगर आपका दिफाई निज़ाम मजबूत है तो फिर दुश्मन हमला करने के बारे में सोचेगा। देखो पाकिस्तान एटमी ताकत बन गया, डॉक्टर कदीर ने बना दिया पाकिस्तान को एटमी ताकत, अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। उन्होंने जो काम कर दिया उससे ये हुआ कि दुश्मन लर्जा बरंदाम हो गए, सोचने पे मजबूर हो गए कि अब पाकिस्तान पर किस तरीके से हमला किया जाए। बिल्कुल ठीक है। आज समझे, जब आपका दिफाई निज़ाम मजबूत है जिस्म का होगा तो फिर ये बीमारियां आपके करीब नहीं फटकेंगी। बिल्कुल ठीक है। और जब आपका ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल होगा, आपकी खून की नालियां साफ होंगी, क्लॉटिंग नहीं होगी, आप यकीन माने आप 100 साल में भी जवान रहेंगे। एग्जैक्टली बिल्कुल। देखे ना, बात यह है कि जब क्लॉटिंग हो, खून की नालियां, हार्ट क्या है, हार्ट अटैक क्या है, खून की नाली ब्लॉक हो जाती है, हार्ट की जो आर्टरीज है वो ब्लॉक हो जाते हैं, वॉल्स में प्रॉपर फंक्शन नहीं होता, ब्लड सर्कुलेशन प्रोड्यूस नहीं होता, जिसकी वजह से हार्ट अटैक होना शुरू हो जाता है, ब्रेन ब्लॉकेज होती है, तो माइग्रेन और दीगर चीजें प्रॉब्लम हो जाना शुरू हो जाती हैं, आदमी की जजमेंट कम हो जाती है। तो इसी तरह बहुत सारी चीजें हैं जो आपके खून का, देखिए खून की नाली जो है वो तकरीबन आप समझिए कि 2.5 लाख किलोमीटर के करीब उसकी ये पूरी खून की नालियों को अगर सीधा कर दिया जाए, छोटी मोटी बड़ी नालियाँ, तो ये तकरीबन 2.5 लाख किलोमीटर बन जाती हैं, यानी जमीन के कुछ 2.5 चक्कर बनते हैं। आई, आई, अंदाजा है। देखो अल्लाह पाक की। जी हाँ जी। तो ये एक छोटा सा दिल जो है ये पूरी सप्लाई लाइन करता है, इसकी हिफाजत भी करे, क्योंकि बात यह है कि जैसे ही आपको शुगर होगा आपका हार्ट प्रॉब्लम भी शुरू हो जाएगी, क्योंकि एलोपैथिक अद्वियात से वो एक आर्टिफिशियल जो है बॉडी को मैनेज कर रहे होते हैं जैसे मैंने बताया, और उससे ये होता है कि मुस्तकिल दवाएं खाते रहने से और स्ट्रेस लेते रहने से आपको इमराज़ कल्ब में मुबतला कर देते हैं, और ब्लड प्रेशर आपका शूट करना शुरू कर देता है, आपके अंदर घबराहट, बेचैनी, मायूसी की कैफियत पैदा होना शुरू हो जाती है, कि जैसे आपको पता लगता है कि आपको शुगर हो गई। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। मैंने ऐसे सैकड़ों मरीजों का इलाज किया और उन्हें बाकायदा तौर पर उनके अंदर पहले विल पावर पैदा की, फिर उनके अंदर जो है दिफाई निज़ाम मजबूत किया, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग किया, और उसके बाद जो है वो उनका निज़ाम हजम बेहतर हो गया। ठीक है। उनका देखिए बात यह है कि जब आपका निज़ाम हजम बेहतर नहीं है, आपका जिगर बेहतर नहीं है, तो ऐसी सूरत में पैनक्रियास भी सही काम नहीं कर रहा। क्या बात, जबरदस्त बात पकड़ी। आपका निज़ाम हजम बेहतर हो, जिगर बेहतरीन काम कर रहा हो, आपका सिस्टम बेहतर हो, आप वॉक कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, और आप मुशक्कत की ज़िंदगी गुजार रहे हो। हर देखे पाकिस्तान वाहिद मुल्क ऐसा है कि जहाँ पर लोग ज़्यादा बहुत कम एक्सरसाइज और वॉक करते हैं। चाइना में जाएं तो सबसे ज़्यादा लोग नज़र आएंगे कि जो सुबह सुबह वर्जिशें कर रहे होते हैं, 3 बजे वो लोग उठते हैं, और जनाब हर बाग में लाखों की तादाद में लोग वर्जिश करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, और इस यही वजह है कि वो हेल्दी सुपर पावर बन रहा है। हाँ, और मैं कहता हूँ बन चुका है। बिल्कुल बन चुका, क्योंकि उन्होंने पूरी मुकम्मल थे ज़हनी जिस्मानी कमजोर ताकत पैदा की है, उन्होंने बाकायदा हर फील्ड में जो है वो अपने अंदाज में अपने तरक्कियां की हैं, पूरी दुनिया पे वो छा रहा है। आप अगर हमारा मुल्क में भी बहुत बड़ा पोटेंशियल है, बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर इस कौम को सही लीड कर लिया जाए, इन लोगों को सही तरीके से गाइड किया जाए और इनको बताया जाए, तो यकीन मानिए कि हमारी कौम दुनिया की सुपर ताकत से कम नहीं है। लेकिन सही लीडरशिप अगर इसको आपने एक बात अभी की, तो मैं अभी प्रोग्राम में भी एक और सेगमेंट था उसमें कहा कि हम लोगों की अपने प्रोडक्ट मेड इन पाकिस्तान होनी चाहिए। हाँ। हम क्यों बाहर से कुछ चीज मंगवाएं? Exactly, हमारे मुल्क में बिन काट। अब आपने जैसे एक ऑफकोर्स आप एक सर्टिफाइड डॉक्टर हकीम है, एक्यूप्रेशर भी आपके, सब चीज़ें आप नॉलेज, होम्योपैथिक भी आपके पास एक सर्टिफिकेट से हैं, और आपने माशाल्लाह अपने आबाओ अजदाद से भी नॉलेज ली है, तो आप कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं तो बट ऑथेंटिक होती है, बिल्कुल रिलायबल होती है। तो मैं कहती हूँ हमारे मेड इन पाकिस्तान में, मेड इन पाकिस्तान हर चीज़ होनी चाहिए, क्या कहते हैं? एग्जैक्टली बिल्कुल बिल्कुल, पाकिस्तानी चीज़ें इस्तेमाल करें। पाकिस्तान की जो बहुत सारी ऐसी अद्वियात और ऐसी जड़ी बूटियाँ पूरे मुल्क में फैली हुई हैं, तो अगर इन जड़ी बूटियों को सही मानों में इस्तेमाल किया जाए तो बहुत सारा फायत ज़र हमारा बचता है, जो हज़ारों लाखों करोड़ों डॉलर की हम बाहर से मेडिसिन मंगवाते हैं, मुल्क में हम वही जड़ी बूटियों से जो है वो अद्वियात दवा साजी कर सकते हैं, जिससे ज़र मुबादा बच सकता है, और हमारा मुल्क बहुत मजबूती से जो है वो देखें। अब चाइना में जी। या भारत में हम देखें तो वहाँ जड़ी बूटियों से बहुत ज़्यादा उससे फ़वाद ले रहे हैं लोग,
और वो हमसे इस मामले में आगे है। जब से उनको मोरिंगा पता चला है, हम लोग समझना उन्होंने इसको गूगल पे सबसे सुपर पे प्रेजेंट किया और उसको प्रोडक्ट और सिंपल तरीका यकीन करो उसका बकायदा बता रहे हैं कि कास्ट कैसी चीज। लेट सी। अच्छा डॉक्टर साहब हम चलते हैं आपके ये सिल्वर आप कुछ मैं जा रही हूं प्रोडक्ट रहना जो शुगर से सबसे बड़ी चीज है कि ये हमारी अस्करी मैजिक क्रीम है। नाज़रीन ये तिब की दुनिया में एक बहुत बड़ा इनकलाब है, बड़ी बहुत बड़ी ईजाद है जो कि हमने इस अस्करी मैजिक क्रीम के नाम से है। ये एक्सटर्नल यूज इस्तेमाल में आती है, अगर इसकी थोड़ी सी क्रीम बिल्कुल थोड़ा सा ये लगती है और ये आपको शहरक पे और मेन आर्टरी पे लगाएं तो ये फौरन खून में जज्ब होकर खून के